बारह कंफर्म किया कि मैं लीड मैं कर रहा हूँ, तो बोले हाँ आप करोगे। मैंने कहा सर पहले ही बता दो, ऐसा ना हो मैं अभी आप मुझसे ये कह दो कि मैं लीड है, बाद में पता चल रहा है कि मैं बी रोल में इधर उधर कहीं थोड़ा बहुत दिख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं आप कही है। मैंने कहा ठीक है ओके। फिर तो वो सीएम साहब के पीए थे, तो उनकी कॉल आई कि भाई सीएम साहब को मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आपका ये, और हम आपका एक प्रोग्राम करवाना चाहते हैं उनके रेस्ट हाउस पे। मतलब बॉलीवुड सॉन्ग्स भी इतने व्यूज़ नहीं नहीं ले लेते पाते हैं। जितने अपना हरियाणा लेता है। हेलो, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज मेरे साथ हैं ऐसे कंटेंट क्रिएटर बोलूं या फिर एक्टर बोलूं या फिर डांसर बोलूं, मतलब उनमें काफ़ी सारी खूबियाँ हैं, वो खुद ही बताएंगे। तो आप कैसे हैं? और अब सबसे पहले अपना नाम का इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए। मेरा नाम है जग्गा जासूस। मैं मन्नू पहाड़ी, जो मुझे जानते हैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार, और जो नहीं जानते और मैडम के चैनल पे नए हैं मेरे थ्रू जो जुड़े हैं वो सब, उनको सबको मेरी तरफ से प्रणाम। सबसे पहले टिकटॉक और फिर उसके बाद वेब सीरीज, कैसे रहा ये सफर और कैसे मिली वेब सीरीज? टिकटॉक पे वीडियोस बनाना ये सब सभी बना रहे थे, पूरा हिंदुस्तान टिकटॉक पे लगा हुआ था, तो उस भीड़ में हम भी थे, हमने भी स्टार्ट किया। मैं टीचिंग करता था तो उस टाइम पे अच्छा, आप स्टार्ट किया। टीचर भी हैं? हाँ मैं टीचर ओके। था, अब मैंने छोड़ दिया वो। तो टिकटॉक पे चलता रहा चलता रहा चलता रहा, ऐसे ही फिर एक वीडियो रेंडमली मतलब जो बनाते थे हम वही क्लिक हुई, तो उस तरह का वो वायरल गई। फिर हमने उसी तरह का कंटेंट पकड़ा, उस पर वो करते रहे। फिर टिकटॉक बंद हो गया, उसके बाद इंस्टाग्राम ने अपना ऑप्शन दिया रील्स का, तो उस पर स्टार्ट किया हमने। फिर उस पर भी अच्छी ग्रोथ हुई, अच्छी ऑडियंस आई। फिर उसके बाद सॉन्ग्स वगैरह करने लगे हम, सॉन्ग्स के ऑफ़र आए। फिर अचानक हरिओम कौशिक जी हैं भाई, जो क्रिएटर हैं हमारी मेवात वेब सीरीज़ के, उनकी कॉल आई कि हाँ भाई वेब सीरीज़ करोगे? मैंने कहा सर बिल्कुल करेंगे, तो ठीक है मेवात है उसमें आप मेन लीड करोगे? तो मैंने उनसे दोबारा कंफर्म किया कि मेन लीड मैं कर रहा हूँ, तो बोले हाँ आप करोगे। मैंने कहा सर पहले ही बता दो, ऐसा ना हो मैं अभी आप मुझसे ये कह दो कि मैं लीड है, बाद में पता चल रहा है कि मैं बी रोल में इधर उधर कहीं थोड़ा बहुत दिख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं आप कही है। मैंने कहा ठीक है ओके। फिर उन्होंने यही पूछा कि भाई क्या कुछ चार्ज करोगे इसके लिए? तो मैंने कहा सर मैं वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे वाह, तो हाँ आपने तो कुछ भी नहीं लिया मेवा सीरीज के नहीं लिए? लिया है, पर जो उन्होंने दिया मैंने वही, जैसे कहती नहीं आप मुट्ठी बांध के जो दे दोगे वो हम ले लेंगे, तो ऐसे ही ले लिया ना मैंने। कोई नाइस, मेरी तरफ से कोई डिमांड नहीं थी उनको। वेरी नाइस। एक्टिंग आपने कभी सीखी है या फिर? मतलब ये ऐसी चीज़ है कि इसको सीखें तो उतना नहीं कर पाते, ये अपने आप ही मतलब नेचुरल जो होती है वो एक्टिंग होती है, ना कि हम कुछ एक्टिंग करें वो एक्टिंग होगी। नेचुरल जो निकलता है वो एक्टिंग है। बाकी ऐसी स्किल शायद भगवान ने मुझे, ये गॉड गिफ्टेड है, बचपन से ही दी। इन चीज़ों में मैं थोड़ा एक्टिव था। फिर उसके बाद स्कूल में भी हमने थिएटर वगैरह करना, कॉलेज में थिएटर किया था फिर, तो ऐसे ही। आप बेसिकली टीचर थे पहले, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे आप? मैं पढ़ाता था केमिस्ट्री, ओ माय गॉड, क्योंकि जो कि मैंने मुझे बिल्कुल नहीं आती। कोई नहीं, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन करी थी केमिस्ट्री ऑनर्स से। फिर उसके बाद एमएससी करी ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन में, फिर बीएड भी करी, फिर टीचिंग करी, साइड में ही चल रहा था अपना। फिर इस पे अच्छा रिस्पांस मिला तो इधर निकल पड़े। अरे वाह। आपके पास उत्तराखंड के सीएम की टीम की तरफ से फोन आया था, व्हाट वाज द स्टोरी, क्या स्टोरी थी वो? वो तब टिकटॉक का ही टाइम था, तो मेरी वीडियोस जो हैं वो बढ़िया वायरल जा रही थी। तो वो सीएम साहब के पीए थे, तो उनकी कॉल आई कि भाई सीएम साहब को मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आपका ये, और हम आपका एक प्रोग्राम करवाना चाहते हैं उनके रेस्ट हाउस पे उत्तराखंड में? उत्तराखंड में। ओके।
तो मुझे मतलब अंदाज़ा लग गया कि ये मुझे, क्योंकि मेरा सर नेम रावत है, तो मैंने कहा ये मुझे उधर पहाड़ी भी, एक तो पहाड़ी लिखा हुआ था, पहाड़ी अपने गांव का नाम है, फिर उसमें सर नेम आया रावत, तो उधर भी हैं ओके गढ़वाली रावत होते हैं, तो मुझे ओके अंदाज़ा लग गया कि भाई ये मुझे वो अपना अपने वाला पहाड़ी समझ रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि सर थैंक यू, आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं जो हूँ मैं वो पहाड़ी नहीं वो पहाड़ी नहीं हूँ, हूँ। मैं हरियाणा का पहाड़ी हूँ। हाँ अच्छा, फिर वो थोड़े उनके आवाज़ मायूस से हुए थोड़े कि नहीं वो तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको, फिर ठीक है। उसके बाद कोई कॉल नहीं आई फिर उनकी, फोन नहीं आया, उनको पता चल गया कि ये तो आप वहाँ बेकार। के पहाड़ी नहीं हो। हाँ सो आपको मेवात सीरीज कैसे मिली और काम करके एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका मेवात में? मैंने बताया अभी मेवात तो कैसे मिली थी। काम बढ़िया लगा, बहुत मज़ा आया वहाँ काम करके। लोगों ने परसेप्शन बनाया हुआ है कि भाई मेवात का, कि वहाँ तो गुंडे इस तरीके से हैं और माहौल बहुत ख़राब है, लूटपाट होती है, तो ये चीज़ें सब जगह होती हैं, ऐसा नहीं है कि मेवात में कोई, बस ये है कि मीडिया जो हमारा वो उसको दिखाता ही ऐसे है। नहीं तो हम 20 दिन का शूट था हमारा, 20 दिन में जितना वहाँ के लोगों ने हमें सपोर्ट किया वो बता नहीं सकता मैं, मतलब पूरा दिन, दिन में शूट हो या रात में शूट हो, तो जहाँ भी शूट है वहाँ के लोग पूरी हेल्प करते थे, बहुत हेल्पफुल, तो मज़ा आया काम करके। सो आप शेरों शायरियाँ भी करते हैं, तो एक शायरी भी हो जाए फिर। ऐसा कुछ नहीं है, मैं शेर व शायरी नहीं करता, हाँ मैंने वो कभी कभी थोड़ी बहुत एक आध लाइन लिख लेता हूँ, वो भी हाँ जो उसको एक भी आध लाइन लिख लेते हैं बस वही सुना दीजिए आप। चलो मैं बताता हूँ। अर्ज किया है, जो मिल जाए, जो मिल जाए वो मुकद्दर है, जो ना मिले वो मोहब्बत है। वाह वाह वाह। सो अभी रियलिटी शोज़ बहुत ट्रेंडिंग में है, और हाँ आपकी क्या राय है, आप अगर आपके पास ऑफर आया तो आप रियलिटी शोज़ में जाएंगे? और आपका फेवरेट रियलिटी शो कौन सा है, आप किस में जाना चाहते हैं? मैं ऑफर, मतलब मौका मुझे मिले तो मौका तो मैं कोई भी नहीं छोड़ूंगा। बाकी मुझे बिग बॉस पसंद है बहुत ज़्यादा, सीज़न 4 से देख रहा हूँ मैं वो, अरे वाह, तो जब से सलमान जी होस्ट कर रहे हैं उसको, तब से। आप सलमान खान के फैन दिख रहे हैं फिर हाँ मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनको फॉलो करता हूँ सब चीज़ों में। सो आपको जेन्युइन अभी बिग बॉस अगर आप देखते तो उसी से मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। अभी अभिषेक और एल्विश यादव दोनों ही कंटेंट क्रिएटर थे आपकी तरह, सो आपको पर्सनली दोनों की जर्नी कौन सी है, किसकी जर्नी ज़्यादा अच्छी लगी? और आपको लगता है कि क्या एल्विश यादव सही विनर थे, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे बहुत फाइट चल रही है कि अभिषेक इज़ अ रियल विनर और एल्विश नहीं, या फिर एल्विश विनर है आप एज सच? नहीं वो तो ऐसा तो है नहीं उसमें कि कुछ पार्शियलिटी करी होगी, नहीं, बाकी पार्शियलिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब आपकी नज़र में कौन आपको लगता है? मैंने देखो, मैंने स्टार्ट OTT मैंने देखना स्टार्ट नहीं किया था, जब एलविश गया वहाँ तब मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद देखा तो फकरा इंसान, लाइक सीज़न 13 जो था बिग बॉस का, सिद्धार्थ बिल्कुल उसके जैसा था कि अब किसी भी चीज़ में वहाँ राइट या रॉन्ग, अपना स्टैंड देना, अपनी अपना रख अपनी बातें रखनी, वो सब वो फुकरा इंसान एकदम ओके कर रहा था। साथ में एल्विश भी था, क्योंकि एल्विश थोड़ा देसी है एकदम बंदा, तो उसके बाद फिर फुकरा इंसान ने एक बात बोल दी उसमें कि भाई अगर वो जेड से बात कर रहा था कि मैं अगर विनर बनता हूँ तो मैं किन किन चीज़ों पे विनर बनूंगा, उसने अपने पॉइंट दिए इंग्लिश में और थोड़ा एग्रेशन के साथ अपने पॉइंट बताए उसने, जो कि तो काफ़ी ट्रेंडिंग में थे। हाँ, उसकी वजह से फिर वो थोड़ा उसकी नेगेटिव वो बन गई कि भाई उसने बोला कि मैं अपनी ऑडियंस लेके आया हूँ, जाहिर सी बात है लेके आते हैं, लेकिन वो चीज़ गलत उसमें दिखाई गई मेरे मेरे हिसाब से, क्योंकि हाँ वो तो है ही कि भाई बिग बॉस की अपनी एक फैन फॉलोइंग अलग है है अलग। उनकी हाँ लेकिन एंड लेकिन जो जाता है उसको, अब जैसे भाई एक तरीके से हम एल्विश की फैन फॉलोइंग में आ जाते हैं कि एल्विश जब वहाँ गया तो हमने तब देखना आपने स्टार्ट देखना किया। स्टार्ट किया, राइट? हाँ उसके बाद एल्विश बिल्कुल जीतना बिल्कुल डिजर्व करता है, उसने बहुत प्योर गेम खेली है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ, एकदम बढ़िया भाईचारा निभाते हुए।
फैन फॉलोइंग की तो बात अगर करें तो एल्विश यादव ने खुद भी एक्सेप्ट किया है कि जब वो एंट्री करे थे उन्होंने घर में, तो उनकी कुछ 5 मिलियन के करीब या 6 मिलियन के करीब फॉलोअर थे, एंड 1 महीने में, शायद 1 महीने वो घर में रहे थे और उनकी फैन फॉलोइंग दुगनी हो गई, डबल हो गई. हाँ, सो डबल बिग डबल बॉस से की भी ज़्यादा हो भी, गई। सो एंड ही सेड कि भाई मैं पूरी मेहनत जो अब तक मैंने करी है, मैं इतना कमा पाया और 1 महीने में मैंने दुगना कमा तो लिया. वो सो बिग एक बॉस अलग के, बिग फैन फॉलोइंग तो है ही. बॉस के है, उसकी वजह से इतने बढ़ गए। बिल्कुल। अभी जो लोग एक्टिंग में, जैसे कि आपको, आपने मेवात में एक्टिंग करी है, अभी जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं, एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, सो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं टिप्स ये दूंगा कि किसी को देख के आप एक्टिंग स्टार्ट करने वाले हो तो वो तो मत करना, क्योंकि जिनको अंदर से ही, जिनका खुद से ही, मतलब किसी को बिना देखे उनके अंदर ये टैलेंट था, ये स्किल है कि हाँ मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, उनको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना करते रहेंगे, उसके बाद सक्सेस उनको मिलनी ही मिलनी है। अब दूसरों को देख के अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। सो आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है एंड क्या प्रोजेक्ट करना करने वाले हैं आप? फ्यूचर प्लानिंग ये है कि फ्यूचर नहीं, फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, बस प्रेजेंट किया है कि अभी अच्छा अच्छा करते रहें। सो एंड कोई प्रोजेक्ट अपकमिंग आपका? अपकमिंग मेवात का सीज़न 2 शूट अभी जल्दी स्टार्ट होगा, और एक वेब सीरीज़ और है, वो और किसी और OTT प्लेटफॉर्म से आएगी। ओके. हाँ, मतलब सो मेवात कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई स्टेज थी? ऐप, हरियाणवी स्टेज ऐप, ओके हरियाणवी स्टेज ऐप पे भी और राजस्थान स्टेज ऐप पे भी, दोनों पे है। सो आप डांसर भी हैं, एक्टर भी हैं, टीचर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, मॉडल हैं, सब कुछ करते हैं आप. सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ पे फोकस करते हैं अपनी, या फिर आप में और भी कोई हिडन टैलेंट है? और अभी जो हिडन होगा वो शायद मुझसे भी हिडन ही है। तो आपको मैं सबसे जिस ज़्यादा इन सारी चीज़ों में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट, आप किस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी? फोकस में उस पर करता हूँ जो काम जब करना होता है। अगर अभी मैं काम कर रहा हूँ डांस का, तो मेरा वो पूरा फोकस डांस पे चला जाएगा। एक्ट का है तो वो एक्ट पे चला जाएगा, तो जो काम मिल रहा है उस पर ही पूरा फोकस जाता है। ओके. सो आप अभी हरियाणवी इंडस्ट्री को टच कर रहे हैं, कभी भोजपुरी या फिर या इसमें भी जाने का कोई इरादा, या फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं है, हरियाणा ही काफ़ी है? नंबर 1। हरियाणा, अब तो बॉलीवुड के भी हैं यहीं आ रहे हैं हरियाणा में। हाँ करेक्ट. और अभी तो एल्बम भी बहुत सारी रिलीज हो रही बिल्कुल। है जो और कि अभी काफ़ी अभी हिट तो है. हमारा हरियाणवी इंडस्ट्री जो है वो ये समझो कि टॉप पे है, मतलब बॉलीवुड सॉन्ग्स भी इतने व्यूज़ नहीं नहीं ले लेते पाते हैं. जितने अपना हरियाणा लेता है। सो अभी हम लोग शुरू करेंगे रैपिड फायर राउंड. रैपिड फायर में सबसे पहले पूछूंगी, अगर आपके मौका मिले रणवीर सिंह या फिर सलमान खान, किसके साथ आप जाना चाहेंगे मूवी या फिर कोई भी सॉन्ग करने के लिए? सलमान सलमान खान, मैंने पहले ही बोल दिया. आपका फेवरेट हरियाणवी सिंगर? बिल्ला बिल्ला सोनीपत। ओके. आप सबसे ज़्यादा क्या खाने में पसंद करते हैं? मीठा आपको जो गैजेट सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते हैं एक्सेप्ट फ़ोन, बर्ड्स बेस्ट एक्सपीरियंस इन टिकटॉक और इंस्टाग्राम? रैपिड फायर है वैसे तो, मतलब मैं टिकटॉक कहूँगा क्योंकि ना इसके पीछे रीज़न है। अभी क्या है, इंस्टाग्राम पे मतलब कैसी भी वीडियोस आप अपलोड कर दो, वो कोई उनको मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता इंस्टाग्राम को, गालियाँ देते हुए या कुछ भी वल्गैरिटी एकदम खुल्लम खुल्ला। लेकिन टिकटॉक पे ऐसा नहीं था, आप अगर गाली दोगे तो वो तुरंत बैन हो जाती थी वीडियो। अच्छा, हाँ, ये मुझे नहीं पता था, थैंक यू. कोई भी एक पिकअप लाइन या कोई डायलॉग मेवा सीरीज से? हम मेवातियाँ, चलता आदमी की आंखन से सुरमा चुरा लेवा। वाह नाइस. तो ये है मन्नू पहाड़ी, जिन्होंने अपने अपने बारे में और अपनी ऑडियंस को जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए उनके बारे में बताया. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. जय हिंद, जय भारत.